राजमा बनाने की शुरुआत ही खराब हुई है, राजमा सड़ गए हैं। मैं पहली बार बना रहा हूँ, मैं खराब हो गया, मैं रोना आ रहा है। यहाँ तक ना गाली आते आते रहेगी। आप थोड़ा बहुत टाइटल से समझ गए होंगे, बाकी मैं बताती हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ कुछ नया होने वाला है। नया ये होने वाला है कि आज मैं पहली बार कुक करने वाली हूँ। सीरियसली फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आज मैं राजमा चावल बना रही हूँ। राजमा ही बनाऊंगी, चावल लगा से बनवा लूंगी ना, इतना एक साथ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ और जज करेंगे नव्या और प्रभ। प्रभ को मैंने स्पेशली बुलाया है, मैं डिनर बना रही हूँ तो प्रभ को मैंने स्पेशली बुलाया है राजमा टेस्ट करने के लिए। तो प्रभ आएगा और राजमा टेस्ट करके नव्या प्रभ बताएंगे कि कैसा बना है। एंड गाइज, मैंने ना रेसिपी पूरी मम्मा से पूछ के लिख ली है, क्योंकि मम्मा मेरे को बिल्कुल भी ब्लॉग में आके हेल्प नहीं करने वाली है। मैंने पूरा खुद से ही बनाना है, बस मम्मा ने मुझे बता दिया कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे ऐसे बनाना है। एंड अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं व्लॉग और देखते हैं कि मैं बना पाती हूँ या नहीं। वैसे मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, या तो मैं काम करती नहीं हूँ, अगर करती हूँ ना तो फिर चक दे फट्टे, लेट्स गो। काट देना ये। राजमा बनाने की शुरुआत ही खराब हुई है, राजमा सड़ गए हैं। इस लड़की को मैंने बोला था कि राजमा सिर्फ उबाल दे, मैं आ रही हूँ अभी, और इसने मेरे राजमा सड़ा दिए। अभी ये बाहर आएगी ना, मैं इसको सड़ाऊंगा। अभी रुको, क्या कराई है यार? तूने बोला था राजमा रखने के लिए, रख दिए। इधर राजमा दे। मैंने तुझे बोला नहीं जलने की स्मेल आ रही है, तूने क्या बोला? नहीं नहीं ऐसी कैसे हंसी है ये जानवर है? ओ भाई, मैंने तो बोला था राजी, इतनी बदबू आ रही है जलने की, तू ही कहती ऐसी आती है। राजमा छोड़, कुकर भी सड़ गया यार। अरे कुकर तो हो जाएगा यार। यार मैं राजमा सड़ गया यार। यार ना मैं, यार मैंने बहुत, मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई है, मैं क्या करूं? कोई नहीं, क्या और लग जाएगा आधा घंटे इनको उबालने में। ऐसा भी क्या? तो क्या ये आप उबले हुए लेकर आए, किसी के मांग के लेकर आए? टी पैन में रख देते हैं, कुकर में उबलते हैं, टी पैन में कैसे रख देंगे? क्या करें फिर? दोबारा बोलने रख दूसरा कुकर निकाल के। छी छी हो गए हैं। मैं बोल रहा हूँ जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल आ रही है, ऐसी आती है, ऐसी आती है। तो मुझे नहीं आओगे ना, नहीं आओगे कभी किचन में, तो ऐसी होगा तुम्हारे साथ। तो मुझे क्या पता था कि तूने पानी नाम लैग डाला है? नाम लैग नहीं, मैंने इतना डाला कि राजमा डूब गए, और उससे थोड़ा सा ज्यादा। उससे ज्यादा क्यों? उतर ही नहीं बनानी थी मुझे तो, बोला मैं तो टैप वाटर डाल दिया, फिल्टर ही डाल रहा था। सब खराब हो गया, दोबारा से होगा। पहली बार बना रहा हूं, मैं खराब हो गया, मैं रोना आ रहा है। कुछ ना कहो, चुप ही रहो। देख रही है ब्राइडल मार्क का मुंह पे। सो गाइस, हमने ना, हम डायरेक्ट बनाते हैं राजमा, ठीक है? क्योंकि दो बार में कम से कम नहीं डायरेक्ट बनाएंगे। अरे डायरेक्ट बनाते हैं मतलब 6 घंटे पहले उबाल के नहीं रखते राजमा को, वैसे डायरेक्ट बनाते हैं। आपको एक जेन्युइन बात बताती हूँ मैं, होता ऐसे है कि हम ना बड़े बदतमीज टाइप के बच्चे हैं, तो हम मम्मी को ना रात को 11 बजे बताते हैं कि हमें राजमा खाना है, या 12 बजे बताते हैं हमें राजमा खाना है। तो मम्मी 6 घंटे उबालेगी उसके बाद राजमा बनेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो मम्मी हमारी एक ट्रिक करती है, उसमें क्या होता है कि 5 सीटियां दिलवानी होती है राजमा को, और उसके बाद 20 मिनट उसको गैस पे रखना होता है। हाँ, उसमें ये होता है कि आपका गैस तो ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ मम्मी हमारी फरमाइश पूरी करने के लिए ऐसा करती है, तो हम भी वही सेम चीज कर रहे हैं। तो शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, आखिर तक तो पता नहीं क्या ही होगा। गॉड गिव मी पीस लिख देना। आज रात का खाना बना रहे, क्या बना तुमने? सांभर है तो कोई दाल, इतनी तो मुझे पता लगती है, स्मेल तो कुछ दाल जैसी आ रही है।
चावल अपने क्या क्या बना रही है? सिगरेट लॉक शूटर है कौन सा मेरा वो नंबर धारण कर लिया इसने इतनी आ रही ना वैसे सीटियां तीन फ्लैश नहीं चल रही चार तो गाइस जब तक हमारे जो भी हम बना रहे हैं वो कुकर में है अभी सबको नहीं पता ना तो हम जो भी बोलेंगे उसको ठीक है तो जो भी हम बना रहे हैं वो कुकर में तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स समझा देती हूँ तो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए मैंने एक कटोरी लिया था ना वो आपको पता है क्या तो उसके हिसाब से मैंने लिए दो प्याज और एट मुझे स्पेशल एक मिनट मुझे स्पेशल पता है कॉल आया कि आओ रात का डिनर मेरे यहाँ से होगा क्योंकि मैंने डिनर बना रही क्या बना रही हूँ ये नहीं बता रही मैं जिम से निकल के फटाफट आया हूँ कि पता नहीं क्या बना रही है तो क्या बना रही है मैं तो खा सकता हूँ पर क्या है खा सकते एक एक दो मिनट में टेस्ट करके बता दियो बस तो है क्या बाद में बताएंगे ना वो तो टमाटर प्याज अपने चावल ही बना रही होगी यार झूठ बोल रही है इसको क्या बोलते हैं बाबू लहसुन लहसुन दिमाग ही नहीं चल रहा है कोई बात नहीं आठ मैंने लहसुन की फाड़ियां ली है चार टमाटर और मैंने लिए चार मिर्ची अभी जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी वो थोड़ा सा अभी थोड़ा हार्ड है मुझे पता नहीं अभी इतना चलेगा या नहीं मैं इसको थोड़ा सा ऑल ग्राइंड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी डालना होता है इसमें सही में मम्मी डालती है तभी तो ये थोड़ा ग्रेवी टाइप्स बनता है मत मान तेरे राजमा खराब हो जाएंगे दे भी पानी पक्का डालते हैं हाँ थोड़ा सा राजमा बना रही है पता लग गया पता लग गया ये व्लॉग में आ रहा है आप क्या खा रहे हो मैं खा नहीं रहा तेले लेके आ रहा था मेरे लिए कब्जे ला रहे हो आप ये पता लग गया ये देखो हींग के प्रयास ढूंढते हुए और इनको हींग नहीं मिल रही और ये फिर से तेरवी चाची चीखने वाली है और ये 1 2 3 चीखी राशि चाची चीखी ऐसे कह रही है मैं तो तेरे हाथ का ही खाना चाहता हूँ बेइज्जती फूड कलर निकाल के बेइज्जती चौथी सिटी खोल लेना अब चाहिए तो हद है कंजूस मक्की चूस हाँ ठीक है तो शुरू करते हैं इतनी ऐसे शुरू नहीं हुआ गैस बंद हो गया था इसको बंद कर यार इसको ना 10-30 पे बंद करना देख मोटी इलायची कितनी डाली है बस कम नहीं है एक ही बोला था मम्मी ने मम्मी से पूछा है क्या हेलो हाँ। राजमा कैसे बनाते हैं बस ना फन्ने कान नहीं समझो हींग जली है नहीं जली बताओ अपना मुंह पूछा कर ले उससे जब सीटी बजी ना तेरी सीटी बज जाएगी जल्दी बता दे जल्दी बता दे ठंडा हो जाएगा तेल बोला था पीछे हो जा तेरी सीटी बज जाएगी बोला था देखो पीछे हो जा तेरी सीटी बज जाएगी सही है नहीं जली नहीं जली चलो जल्दी डालो सो गाइस मुझे अभी एक ट्विस्ट पता चला है इन लोगों ने क्या किया है ये दूसरी बार राजमा रखे है ओके और तब से ये मैडम चिल्ला रही है कि मैंने 10-20 पे रखे राजमा और अब हो गए 11-20 तो मतलब एक घंटा राजमा अपने आग लगा दी और एक बार आप दोनों ने मिलके कितने किलो 250 ग्राम है कितना लगा है आग एक कटोरी आग राजमा को आग लगा दिया यार अब तो ठीक होंगे क्या हुआ था खोली के पता लगेगा वो तो खोल ले सीटी आ रही है उसमें तो अब जब तक मेरे प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं प्याज ही फ्राई नहीं हुए इतनी देर में सड़ गए फ्राई छोड़ो राशि बाहर से ले आऊंगा मैं छोड़ दे शट अप मैं बना के रखूंगी
ढंग से भी बनाने हैं भाई। मैं तो यहाँ पर कैमरा लगा रहा हूँ और देख तो रही है भाई क्या कसकतिया कर रही है। एक मिनट मैं तो नहीं खा पाऊंगा ये टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर, जो हो जाएगा मैं बुला लिया। टमाटर और हरी मिर्च उन्होंने प्याज सड़ा दिए, फ्राई नहीं हो रहे, वो सड़ रहे हैं यार। नहीं मैंने मम्मी से पूछा है कि सड़ाने हैं, मम्मी ने बोला डार्क ब्राउन करने हैं प्याजों को, डार्क ब्राउन नहीं हुए, मीठे मीठे लगेंगे ना फिर सब्जी में पता लग लेगा। तो समझ के कर रही हूँ। सो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने ना जब मैंने मेरे प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है तो उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए और मैं 2 मिनट तक ये मसालों को भी भूनूंगी ताकि मेरे प्याज में यू नो फ्लेवर आ जाए मसालों का। माय गॉड फ्लेवर और फ्लेवर सिर्फ इनके फेस पे फोकस करूंगा तो छोड़ ही दो, देख के डर जाएंगे। इतना भी बुरा नहीं है कि डर जाएंगे, बहुत स्वाद लग रहा है। तो जब तक मेरे प्याज में फ्लेवर आ रहा है तब तक हमने ये ग्राइंड कर लिया है। तो 2 मिनट बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट बाद हम इसको उसमें डाल देंगे और उसके बाद हम टमाटर और प्याज को साथ में फ्राई करेंगे और फ्राई करने तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर घी ना छोड़ जाए। आगे दिखाती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा राजमा जैसा। रशि स्मेल आ रही है राजमा की, गाइस सच्ची में स्मेल आ रही है कसम से राजमा की, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है बट आ रही है, अभी और आएगी। पट्टी भी मैं थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते आती है ना स्मेल। राजमा गली है और गली है, गली है, दे गली है, गली है। बोले सोने आल श्री अकाल, ये राजमा डल गए ने। अरे हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर लेना, तू कर देना मेरे हाथ पे ऐसे। ठीक है काफी है। तो, कहाँ चले जितना बढ़िया यार गर्म। ओ और मिक्स हो जाएगा, ठीक मिक्स कर दूं मैं। अरे मैंने बनाया है, मिक्स तो करने दो। यार पहली बार राशि ने बनाया है, अच्छी बात है। तैयार हो चुके हैं एंड चावल भी रख दिए हैं, चावल भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। लास्ट विसल आएगी उसके बाद मैं इनको बंद कर दूंगी, बंद। सो गाइस सब कुछ रेडी हो चुका है, राजमा रेडी, चावल रेडी, बस अब इनको अच्छे से प्लेटिंग करके अच्छा सा रिप्रेजेंट करना है बस। और उसके बाद आई होप मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है ये खाने लायक बने हो, हम खा सके इसको और सबको अच्छा भी लगे, आई होप। गाइस ये देखो ये आ गई है शेफ, मैं तो डन है भाई, मैं तो रेस्टोरेंट खोलूंगा और कुछ नहीं। लेकिन ये मेरे को बनाना नवे ने सिखाया। ओके अभी घर पे 2 मिनट में। ओके जिसने मुझे बताया था लेकिन मैंने कर लिया। तो एक बार आप एक मिनट जरा मैं जूम करके दिखा दूं। भाई राजमा की स्मेल भी आ रही है, वैसे यार ये रखा जो है ना ये सर्विंग बड़ी अच्छी है राशि। देखो मैं तो सिर्फ देख दूर बाइट ही खाऊंगा यू नो, बट मुझे स्वाद बहुत लग रहे हैं। यहाँ तक ना गाली आते आते रह गई, गाली नहीं होती क्या चीज है ऐसी वाली भाई, बहुत स्वाद है कसम से, और मैं खा नहीं सकता भाई, लिटरली मम्मी बनाती है ऐसे। मुझे विश्वास करो मैं पागल से डर रहा, अभी 2 मिनट बाद बोलोगे कि बहुत टट्टी भाई लिटरली तेरी कसम बहुत स्वाद है भाई लिटरली, मम्मी भी कभी कभार बनाती है तो कड़वे हो जाते हैं, ये बहुत स्वाद है कसम से तेरी कसम मम्मी कसम। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मेरी किस्मत
गया, तू और खा लियो, मैं नींबू खा लूंगा। इसको क्या हो गया, इसको तो खाना नहीं था। मैं पपीता खाना ही है, मैं फिर नींबू वो खा लूंगा। या तू खा लेना, पड़े है ना, तू तो बच के खा लियो। मैं तो खा लूंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा ना, मेरे बस इतना खाने दे ना, क्योंकि अभी जस्ट हम सो के उठे थे एंड जब व्लॉग एडिट किया प्रभ ने तो मैंने देखा, मतलब हमने देखा कि एक सीन रह ही गया है जिसमें प्रभ ने मुझे बहुत प्यार से पैसे दिए थे क्योंकि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा और सबने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी, तो वो सीन सारे मिस हो गए ना, तो बहुत दुख सा लग रहा है। तो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, लाइक शेयर कमेंट करके सभी बताओ। हां गाइस, बहुत ही ऑसम बाबा जी, सम बॉय ऑसम था। पहली बार जो बनाया ना, बंदा नहीं बना सकता, कोई ना कोई कमी होती है, बट ऑनेस्ट मस्त। मैं भी तुझसे खा के आता हूँ। थैंक यू सो मच। सो गाइस, लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन टू, एंड अगर आपको ऐसे ही और ज्यादा कुकिंग व्लॉग चाहिए, व्लॉग के चक्कर में खाना बनाना सीख जाऊंगी, वैसे तो मुश्किल ही लगते हैं, तो और चाहिए तो फटाफट से नीचे कॉमेंट करके सब्सक्राइब।